मन शांत होता है, सब कुछ होता है। पाप धोने का दिन है, पाप धोने का दिन है, सच्ची बात है। दोस्तों पहुंचे, नीचे गिर गया फोन, अभी पूछा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आके ना शुरुआत आके शाम को कर रहा हूँ दोस्तों व्लॉग, आके कल आके रात को 1 बज गई थी यार, सोते सोते एडिटिंग किया वो क्या, रोज नींद नहीं है, सुबह लेट उठा, दुकान लेट खुला। यहाँ पर सुबह आया ना तो एकदम आके पेंट मारने के बाद एकदम गलीच हो गया। कैसा लगने लगा अभी? पेंट मारने के पहले तो इतना अच्छा था, पेंट मारने के बाद भी और भी खराब कर दिया इन लोगों ने। बात तो सही है। पहले आके पेंट नहीं मारते थे तो प्लेन था, उस समय अच्छा लगता था। तो चार्जर लेने के लिए आया था तो चार्ज खत्म हो जाता बार बार। इतने से टीवी सीरीज देखा था, कुनफू पांडा, मजा कुनफू पांडा नाइट ड्रैगन नाइट देखे, टीवी सीरीज देखा था, मज़ा आने लगा। ठीक है अभी चलो, अभी थोड़ी देर चार्ज तक देने करके चार्जर लेके जा रहा हूँ। अब तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, मगर आके भाई को आज भी ऑफिस है, फर्स्ट 10 to 15 days छुट्टी के बिना बुलाते हैं ऑफिस भाई इसको। तो पहले ऑफिस जाओ, एकदम मस्त जबरदस्त आके ऑफिस जा रहा है, ऑफिस गया हुआ है, मैं दुकान पर बैठा हूँ, यहाँ पे पापा वहाँ बैठे हैं। कल से आके बहुत बड़ा दिन स्टार्ट होने वाला है जैन समाज के लिए, जैसे कि पोजिशन पॉलिटिकल पोजिशन स्टार्ट होने वाला है 8 दिन के लिए। टोटल 8 दिन के लिए ना पूरा धर्म की यात्रा पे चलने के जैसा हो गया, जैसे कि रात की सोगन करना, एकाष्टा, उपवास, सब धर्म पे चलने वाले हैं। सुबह आके प्रार्थना में जाना, शाम को आके प्रतिक्रमण करने के लिए जाना, और दिन में एकाष्टा वगैरह सब कुछ। रात की सोगन तो कंपलसरी करना दोस्तों, क्योंकि 8 दिन तो हम लोग को करना पड़ता है। बाकी इसमें ना क्या होता है, सूखी सब्जी जैसे कि दाल चना वगैरह, कुछ भी हरी सब्जी नहीं, एकदम टोटल 8 दिन के लिए सब कुछ क्लोज हो जाता है। हाँ बाद का भी कुछ नहीं, इतना क्या दोस्तों, आके 8 दिन आके हम लोग पोजिशन तो मनाते हैं, आके खुशी के साथ भी मनाना चाहिए यार। बहुत लोग बोलते हैं पोजिशन आता क्यों, मगर आके सच में आता ना बहुत अच्छा है। साल में एक बार कितना पाप करते हैं, 8 दिन आके पाप करे बिना एकदम मन शांत होता है, सब कुछ होता है। पाप धोने का दिन है, पाप धोने का दिन है, सच्ची बात है, पापा ने बराबर किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप बाप का। इसके अलावा ना ये 8 दिन के अंदर जो एक भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन हुआ ना, वो भी आके हम लोग मनाते हैं, वो भी आके आपको दिखने को मिल जाएगा ब्लॉग में। वैसे भी आगे पालना जी करके बोलते हैं, वो भी दिखने को मिलता है 5वें दिन। कितना अच्छा रहता है आपको दिखाता है, कितना डेकोरेशन करते हैं, कितना मंडल वंडल सब कुछ आके, क्या वही भी अलग आ जाता है यार। सब जगह पे आके हम लोग भी जाएंगे, विजिट करेंगे। फिलहाल तो पापा को आके इन्फेक्शन है, देखो पापा को इन्फेक्शन देखो, यहाँ पर सब कुछ कुछ लगा के आए, क्या पता नहीं उसको दूसरा कुछ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों। यहाँ के क्या बोल रहे हैं साइंस, हाँ वो साइंस का काम तो चल रहा है, वो घरेलू काम भी चलना करके ये भी करके आगे वो ठीक हो जाएगा करके बोल रहे हैं 3 दिन में। बाकी थोड़ा बहुत तो कम पड़ गया है, वो भी पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। कैसा लगा था लाल लाल करके आगे? इसके ऊपर चंदन लगाने के लिए बोल दिए, कल थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं यार। देसी देसी होता है, विदेशी विदेशी है, देसी देसी है, देसी में ऐसे ठीक हो जाता है, विदेशी में बहुत टाइम लगता है, देसी में वेट करना पड़ता है, विदेशी में जल्दी ठीक होता है, वापस होने का संभावना होती है। हाँ बात तो सही है, बस बराबर है, विदेशी में संभावना वापस होती है, मगर देसी में नहीं होती है, पक्का क्लियर होगा करके बोलते हैं। चलो अब पोजिशन का तैयारी करते हैं, मन की शांति के साथ पोजिशन मनाते हैं, ताकि कुछ भी गुस्सा हो कुछ भी हो सब पाप धोने का टाइम आ गया। अभी क्षमा करना सबको क्षमा करो और क्षमा मांगो, और जो भी पाप है सब क्लियर करने का टाइम आ गया है। कल से मुझे भी आके एकाष्टा पान सब कुछ चलता रहेगा, वो भी आपको दिखाता रहूँगा, मगर व्लॉग आके रोज नहीं आएगा, 2 दिन में एक भी आधे आता आपको पता चल रहा है, वैसे ही पता है। चलो अभी आके दुकान बैठे हैं, कल से अभी पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी तैयारी जैसे ही हम लोग को। तो दोस्तों देखो भैया की दुकान प्रोडक्ट देने के लिए आए, चाचा भी मिल गए, कल दुकान की छुट्टी मतलब वही पोजीशन स्टार्ट होता तो फर्स्ट दिन छुट्टी और लास्ट दिन छुट्टी होती है। पोजीशन के बारे में तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा अभी, तो वैसे भी धर्म ध्यान में होंगे सब लोग, एकाष्टा उपवास 8 दिन के लिए तो वही चलेगा। भैया की दुकान छुट्टी नहीं रखेंगे क्योंकि बोल रहे ऐसा नहीं भाई, फर्स्ट दिन लास्ट दिन कंपलसरी छुट्टी रखना है। आप अभी जाते जाते ना धर्म कम हो रहा दोस्तों, सब लोग फर्स्ट दिन भी दुकान खोलने लगे, मगर हम लोग आज तक पापा हमारे घर में जो 4 ही भाई के फैमिली है ना, आज तक कभी खोला नहीं है, खोलेंगे भी नहीं शायद तक, कृपा तो ऐसे ही खोलेंगे भी नहीं। अभी फर्स्ट और लास्ट दिन तो छुट्टी रख सकते हैं आप, अपने धर्म के लिए हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, सीधी बात है, सही बात है। इसके लिए आप आज तक तो खोले नहीं, आगे भी नहीं खोलने का विचार ही रहेगा हम लोग को, अच्छा काम है, हम खुद के लिए तो कर रहे हैं, हम लोग खुद के धर्म के लिए कर रहे हैं। छुट्टी एकाष्टा वास करना है, वो धर्म करना है, नहीं करना कंपलसरी है, रस्का को तो प्रतिक्रमण डेली 8 दिन कंपलसरी।
आठ दिन प्रतिक्रमण है, रात ही सुगन हैंग करना दोस्तों पहुंचे, नीचे गिर गया फोन, अभी पूछा मैं नीचे गिर गया साला। अच्छा कुछ हुआ नहीं, वरना टेंशन हो जाता मैं तो। अभी पहुंच बचा दिया, पहुंच के बिना यूज ही नहीं करना भाई, सोच लिया मैंने तो अभी। दोस्तों भाई भी आ गया, मगर एक गुड न्यूज के साथ आया, आते बोला कल छुट्टी है। क्या सीन है ना, देखो धर्म हम लोग का अच्छा है, इसके लिए उसको भी छुट्टी दे दिया। देखो महावीर स्वामी की इतना आशीर्वाद अच्छा था, इसको भी छुट्टी मिल गया, ये भी धर्म कर सकते हैं। फर्स्ट दिन लास्ट दिन तो कंपल्सरी करना ही है, कल तो भगवान की कृपा से कल छुट्टी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, रात से तो पक्का करेंगे करके, बाकी तो चलेगा। मगर पूरा दिन में ना हम लोग क्या करना ऐसे ही सोचते रहते हैं। कल से, कल तो दुकान छुट्टी है वैसे भी दोस्तों, कल आके कभी फर्स्ट डे और लास्ट डे छुट्टी रखते हैं सब लोग। बहुत लोग अभी लगते नहीं है, मगर सच बोलते रखना चाहिए, क्या हो जाएगा एक दिन दो दिन छुट्टी रखने में, वो भी हमारे धर्म के छुट्टी रखने में क्या होने वाला है। ठीक, अगर आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो कल आएगा ना उस समय देख रहे हो, तो इतना सोच लेना कि हमारे धर्म लिए हम लोग छुट्टी नहीं रख सकते, तो मतलब ही क्या है जीने का। इसके बाद तो आपकी इच्छा, जितने भी वेजिटेबल्स है सब खाली कर दिए दोस्तों, ये वेजिटेबल्स खाली कर दिए, कल से प्याज आलू कांदा वांदा कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ सूखी सब्जी और ध्यान करना, वही काम। फिर प्रार्थना में जाओ, शाम को आके प्रतिक्रमण जाओ, जैसे तो पापा जाएंगे मैं जा नहीं पाऊंगा, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जब भी टाइम लेके जाएंगे, आठ दिन तो पक्का जाना है, लास्ट दिन तो पक्का जाना ही है। जैसे भी आपको भी दोस्त देखने को मिल जाएगा, दोस्त क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं करके। चलो दोस्तों घर पहुंच गया हूं, मुझे जितना पता था उतना तो मैं बोल दिया, बाकी आगे आगे आता रहेगा, आप भी देखता रहेगा। तो इसी के साथ मेरा भी दिन हो जाता खत्म। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिना भूले लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग के साथ, बी हैप्पी, टाटा बाय, पीयूष।